हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन। हम सभी को पता है कल क्या कुछ हुआ, किस तरह से नेपाल जो उस मैच को जीत सकता था नेदरलैंड के अगेंस्ट। हालांकि जब आप पहली इनिंग देखोगे तो आपको लगेगा बहुत खराब खेला नेपाल ने, सिर्फ 106 बनाए और यहाँ से मैच चला जाएगा। लेकिन हम सभी को पता है कि किस तरह से पिचेस बिहेव कर रही है अमेरिका की, किस तरह से 109 रन में सुपर ओवर हो जा रहा है। यहाँ पर हमने ओमान और नामीबिया के अगेंस्ट देखा, और किस तरह से श्रीलंका सिर्फ 77 ऑल आउट हो जा रहा है, और साउथ अफ्रीका को वो बनाने में थोड़ी सी मुश्किल भी आ रही है। तो इसी के लिहाज से नेपाल ने अपना पूरा का पूरा दमखम दिखाया और मैच को एटलीस्ट 19th ओवर तक ले गए, या ये कहे कि एंड तक ले गए। वो दो खराब गेंदें थी जो डाली थी बुहारा ने, और उस पर दो चौके लग गए। तो हम देखते कि वो अगर ऑफ स्टंप पे डाली होती तो शायद मैच का रिजल्ट और आगे थोड़ा डीप जाता, लास्ट ओवर में जाता। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा कारण थे वो कैच थे, और इसके बाद कप्तान रोहित पौडेल खुद आए उसके बाद जब पोस्ट मैच शो में, तो उन्होंने अपनी साफ तौर पर गलती मानी। उन्होंने कहा कि पहले तो अपनी बैटिंग को लेकर कहा, उन्होंने कहा जब मैं आराम से बैटिंग कर रहा था, मैंने 35 बनाए, मैं अपनी इनिंग को और लंबा ले जा सकता था, क्योंकि वो सेट बैट्समैन थे। तो वहां पर उन्होंने अपनी गलती मानी कि वो आउट हो गए, और इसके बाद जब फील्डिंग हो रही थी तो वहां पर फील्डिंग भी साफ तौर पर उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने फील्ड में वर्क किया वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, और वो बेटर होता तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। और उन्होंने साफ तौर पर माना कि जो मैंने कैच छोड़ा वो बहुत क्रूशियल पॉइंट था मैच का, और वहां पर अगर वो कैच पकड़ा जाता तो हम सभी को पता है कि 18-19 चाहिए थे 3 ओवर में, और उस ओवर में पहली गेंद शायद डॉट थी, और अगर उस पर विकेट आता तो वो गेंद भी डॉट होती, एक विकेट जाता, और वो मैक्स डॉट का विकेट था जिन्होंने 19वें ओवर में 2 चौके 3 चौके लगाकर मैच खत्म कर दिया, और उनका विकेट आता और फिर कहीं एक और आ जाता, फिर चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती, क्योंकि रन नहीं बन रहे थे उस पिच पर, और जो मैक्स डॉट ने मारी है वो भी गंदी गेंद थी। तो अगर उनका विकेट गिरता तो बॉलर में कॉन्फिडेंस आता और शायद चीजें डिफरेंट होती नेपाल के लिए। लेकिन वही चीज था कि वहां पर कैच नहीं पकड़ा गया, और इसके साथ हम सभी को पता है कि सोमपाल गामी ने एक कैच छोड़ा था, हालांकि वो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं किया आपको, विक्रमजीत सिंह जल्दी आउट हो गए, एक रन आउट आपने छोड़ा था। तो अगर आप इतने छोटा स्कोर बना रहे हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीजें करनी होगी, ये नेपाल को सीखना होगा। विद द बॉल विद द बैट, क्लीन बैट, तो हम कहते हैं कि रोहित पौडेल सिर्फ एक बल्लेबाज रहे, और नीचे से करण केसी जिन्होंने रन बनाए। अगर किसी ने उनका साथ दिया होता, किसी ने और 15-20 लगाए होते और नेपाल 120-125 पहुंचता, तो ये मैच बिल्कुल अलग नजर आता, और अगर कैच आप पकड़ लेते तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें जो नेपाल को फिलहाल ठीक करनी है। और इसके साथ ही रोहित पौडेल ने साफ तौर पर माना कि जिस तरह का यहाँ पर सपोर्ट था अमेरिका में नेपाल के लिए, वो हमें ऐसा लग रहा था कि हम नेपाल में ही खेल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने फैंस को किया पहली बात तो, और उसके बाद उन्होंने वही कहा कि हम ट्राई करेंगे कि बहुत बेटर तरीके से आए, और जो भी चीजें गलतियां हुई वो ना करें। इन सारी की सारी चीजों को लेकर रोहित पौडेल ने बात की, और साफ तौर पर सबसे बड़ी बात यही है कि अपनी गलती मानी, और बॉलर्स की तारीफ की उन्होंने कि जिस तरह से बॉलर्स ने गेंदबाजी की, हमको मैच में बनाए रखा, दे बोल्ड ब्रिलियंटली, और ये सारी की सारी चीजें कही है। अब देखते हैं नेपाल अगले मैच में आता है तो किस तरह से आता है, क्या किसी बड़ी टीम को हरा सकता है, अपसेट कर सकता है, करने को कर सकता है, और यहाँ पर भी जीत सकता था नेपाल। और जो फील्ड में गलतियां हुई सिर्फ वो एक बड़ी वजह थी जो नेपाल यहाँ पर नहीं जीत पाया। फिलहाल आप बताइए जो अगला मैच है उनका बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो क्या वहां पर नेपाल जीत सकता है या फिर नहीं।